आश्वासन दे रही है ना, अध्यादेश लाना था हिंदू मंदिर के विषय में लाए, जो राम मंदिर की बात करें अयोध्या में उसके लिए अध्यादेश लाए, पूरी ताकत में है अब तो। अबे पहले तुम उसके लिए अध्यादेश लाओ, हमारे लिए तो बाद में लाओगे। कोई भी सरकार संवैधानिक रूप से किसी मंदिर के विषय में या मस्जिद के विषय में अध्यादेश लाकर उसका निर्माण नहीं करा सकती, क्योंकि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये उसकी प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, वो ये उसकी प्रस्तावना में है। तो अगर प्रस्तावना के विरोध में आप काम करेंगे तो संविधान के विरोध में करेंगे। और जो सरकार अपने मंदिर के लिए, जो उनका मुद्दा रहा जिस पे वो सरकार में आती रही है बार बार, उस पे अध्यादेश नहीं ला सकी, तो क्या संत रविदास के उस पे लाएगी? नहीं ला सकती, मैं यही बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये सारे के सारे मिले भगत सारे आश्वासन है, और आश्वासन देते देते 5 साल निकल गए, आश्वासन देते देते देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इस मोदी 56 इंच चौकीदार की सरकार ने देश की आर्थिक हालत का भट्टा बिठा दिया। ये सिर्फ आश्वासन देंगे, झूठ बोलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। सर आप एक वकील है, अच्छी तरह बता सकते हैं सर, कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही है कि जब ये केस चल रहा था मंदिर का कोर्ट में, तो जो रविदास समिति थी वो अपना पक्ष सही से नहीं रख पाई। नहीं देखिए, मैं जो कोर्ट में कार्रवाई हुई है मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है। हाँ। मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। हाँ ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि मुझे इस बात का एक बड़ा दुख है कि इतनी तेजी के साथ जो कार्रवाई हुई है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट से 9 तारीख को फैसला आया और 10 तारीख को ही मंदिर ढा दिया गया, ये बड़ी एक अजीब स्थिति है। इसमें मुझे एक षड्यंत्र नजर आता है, और षड्यंत्र कौन कर सकता है? DDA बीजेपी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों चीज जो है, लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस और लैंड एंड बिल्डिंग जमीन और जितनी भी ये बिल्डिंग है, ये सारी की सारी उसके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में, यानी कि DDA के हाथ में, LG के हाथ में, तो बीजेपी के हाथ में है। और बीजेपी के या एक सरकार से फैसला आया तो उसने बिना लोगों की भावनाओं का ध्यान रखे एक मंदिर को ढा दिया तुरंत, इतनी तेजी से उसने कार्रवाई की, 9 को आया 10 को ढा दिया, ये एक षड्यंत्र के तहत है। इतना नोटिस तो दिया था सर, एक किसका नोटिस? ऐसे नोटिस दिए जाते हैं? कैसे नोटिस? मतलब 9 तारीख को आया है फैसला, 9 तारीख को अगर फैसला अनाउंस किया गया तो शाम तक मिलता सुप्रीम कोर्ट में, एकदम नहीं मिल जाता। मैं तो वही काम करता हूँ, मुझे मालूम है कितनी देर लगती है, और एकदम ही इन्होंने ढा दिया गया। इतनी एक्टिंग मतलब इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत सी जगह हैं जिनको ढाने की बहुत जरूरत है, क्यों नहीं ढाया DDA ने? ऐसे एक नहीं है, मैं आपको हजारों की संख्या में बिल्डिंग दिखा दूंगा जो चौंकी तो खड़ी है, और बिल्डिंग ये DDA वाले पैसे लेकर उन बिल्डिंगों को निढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि हम दलित समाज को तो समझते नहीं कि अनाथ है, इसका कोई नहीं है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए, दलित समाज अब सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, अपना हक उसकी रक्षा करना भी जानता है, और अपना हक लेना भी जानता है, और संघर्ष करना भी जानता है। हम हर तरह से संघर्ष के आदि हो चुके हैं और संघर्ष करेंगे, आगे करते रहेंगे, तो समझना चाहिए ये षड्यंत्र के तहत है। सर क्या लग रहा है, ये जो मंदिर अब बनेगा क्या कानून की प्रक्रिया द्वारा बनेगा, या फिर जो ये आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो राजनीति हो रही है इस पे, उसके द्वारा बनेगा? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि सरकार कानूनी रूप से इस काम को अंजाम दे। हम अपनी आवाज़ संवैधानिक रूप से उठा रहे हैं, और संवैधानिक रूप से इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का यही है कि हम धरना प्रदर्शन कहें, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, वो काम हम कर रहे हैं। इससे नहीं होगा तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो उससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि कानूनी रूप से इन सारी भावनाओं को, इतने बड़े समाज के भावनाओं का सम्मान करते हुए जितनी जल्दी हो सके आदेश करे वो, और मंदिर जहाँ पे था वहीं पर संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाए। अगर नहीं करेगी तो संघर्ष करना, आंदोलन करना हमारा हक है, वो हम करेंगे, और जब तक मंदिर नहीं बनेगा मेरे विचार से ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। सर आंदोलन की आपने बात करी, किस तारीख को आंदोलन होता है? 96 बच्चे अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी जमानत अभी चल रही है, अभी नई भी हुई है, सब लोग परेशान, तो आंदोलन से क्या फायदा सर? समाज को नुकसान ही होता है? नहीं, आंदोलन से कभी समाज को नुकसान नहीं होता। हाँ ये कभी कभी बात हो जाती है कि आंदोलन आप किस तरह से कर रहे हैं, ये आंदोलन की ही ताकत होती है कि जो आंदोलन एक जगह होता है, चंद लोगों को मालूम होता है, वो आंदोलन पूरे देश में पूरी दुनिया में पता लग जाता है। अगर इतना बड़ा संघर्ष 21 तारीख को नहीं होता, इतनी बड़ी संख्या में लोग 21 तारीख को रामलीला मैदान में नहीं आते, तो पूरी दुनिया में पता नहीं लगता, और दुश्मनों को भी पता नहीं लगता, विरोधियों को पता नहीं लगता, जो BJP जिसकी वजह से सारा षड्यंत्र होकर मंदिर टूटा उसे भी पता नहीं लगती। तो ये आंदोलन हमेशा
उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। ये बात जरूर मैं मानता हूँ कि हमें आंदोलन तरीके से करना चाहिए, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, संवैधानिक तरीके से हमें करना चाहिए। और मैं मानता हूँ संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन होगा उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। सर, क्या आपको नहीं लग रहा कि समाज दो फाड़ों में फटा हुआ है, बड़ा हुआ? आपने 21 तारीख को भी देखा, भीम आर्मी लोगों को ले जाती है और जो संत हैं वो अपने घर से ले जाते हैं रामलीला मैदान से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि समाज दो फाड़ों में बटा हुआ है, मैं नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर जो कॉल की गई थी वो भिन्न भिन्न संगठनों ने की गई थी। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, जो संगठन कॉल भी जिन्होंने नहीं दी थी, वो हजारों की संख्या में संगठन भी उस आंदोलन में शामिल थे। तो दो फाड़ कहीं भी नहीं है इस आंदोलन में। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे बाबा साहब के आंदोलन हो, चाहे संत रविदास जी के नाम पर आंदोलन हो, समाज का जब आंदोलन होगा तो कोई भी इसमें फाड़ नहीं होगी। हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद हों, हम एक दूसरे से सहमति न रखते हों, लेकिन जब आंदोलन होगा, आंदोलन इकट्ठा ही होगा। उस दिन भी इकट्ठा था और इकट्ठा ही आगे भी होगा, आगे भी चलेगा। परमिशन तो रामलीला मैदान की, तो फिर लोग वहाँ क्यों पहुँचे? तो इसका मैं वही बात ये कह रहा हूँ कि ये उस षड्यंत्र के तहत है। जब परमिशन हमें रामलीला मैदान की थी, आपने जंतर मंतर की कैंसिल कर दी, तो हमें वहीं रोकना था ना। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स थी, हमें क्यों जाने दिया गया? आप इसमें देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन की कहीं इतना कोई ना कोई षड्यंत्र है। आप 22-23 किलोमीटर लोगों को जाने दे रहे हैं, आप रोक नहीं रहे कहीं भी। और इतना VVIP इलाका है, करीब 23 थाने पुलिस थाने वहाँ पे पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी आप रोक नहीं रहे हमें, तो षड्यंत्र कौन कर रहा है? षड्यंत्र स्वाभाविक एक सरकार कर रही है, सरकार पुलिस के माध्यम से ये षड्यंत्र कर रही है, तब तक वहाँ पहुँच गए। और जब रात हो गई है, आपने देखा होगा, वीडियोज़ देखी होंगी कि अंधेरे में सारी लाइट वहाँ की गायब है, स्ट्रीट की कॉलोनी की लाइट गायब है, और उसमें उन्होंने पुलिस वालों ने लठ बजाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां भी चली, वीडियो हमने देखी हैं, मेरे पास भी वो वीडियो हैं। तो षड्यंत्र सरकार का है, समाज इसमें कहीं भी विभाजित नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, अभी दो दिन पहले जो कुछ मौलाना ना है, जो उन्होंने PC की है, मौलवियों ने, और उनके साथ जो केस की पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट महमूद प्राचा जी, उन्होंने कॉल दिया कि 15 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या लग रहा है ये? नहीं देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कॉल दी है या कोई PC की है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जो भी कॉल दी जाए आंदोलन की, वो संत समाज के माध्यम से ही दी जानी चाहिए, संत समाज से चर्चा करके और उन्हीं के माध्यम से होनी चाहिए। कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को मैं मानता हूँ कि कॉल नहीं देनी चाहिए, ये शायद ठीक नहीं होगा जो भी कॉल है, क्योंकि जब संत हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा समाज इकट्ठा है, तो जो कुछ भी अनाउंसमेंट हो वो संत समाज की तरफ से होनी चाहिए। और संत समाज से जब घोषणा करता है, उससे पहले बाकी सबसे विचार विमर्श करके तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ में वो बात की जाए, वो एक अलग बात है। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को ऐसे कोई बात कहनी नहीं चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि क्या इसमें संत समाज की सहमति है या नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर 13 तारीख तक हमें इंतजार करना है, 13 तारीख तक हमें इंतजार करना है, तो 13 तारीख के बाद ही जो भी घोषणा होगी वो होगी, उससे पहले किसी घोषणा का मैं नहीं मानता कि कहीं कोई मतलब रह जाता। उस PC में भीम आर्मी सहयोग कर रही थी, उन लोगों का समर्थन दे रही थी। नहीं, वो एक अलग बात है, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखी वो PC के, उसमें कौन कौन किसका सहयोग कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, वो अगर मैं देखूँ तो उसके बाद ही मैं उस पर कोई कमेंट करने के लिए शायद अच्छी तरह से कमेंट कर पाऊँगा। 13 तारीख का आ रहा है कि सुनने में कि 13 तारीख के बाद सरकार कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आपके पक्ष में नहीं आता तो वो आश्वासन दे रही है कि कुछ मतलब अध्यादेश टाइप आश्वासन दे रही है ना, अध्यादेश लाना था हिंदू मंदिर के विषय में लाए, जो राम मंदिर की बात करें अयोध्या में, उसके लिए अध्यादेश लाइए, पूरी ताकत में है अब तो। अबे पहले तुम उसके लिए अध्यादेश लाओ, हमारे लिए तो बाद में लाओगे। कोई भी सरकार संवैधानिक रूप से किसी मंदिर के विषय में या मस्जिद के विषय में अध्यादेश लाकर उसका निर्माण नहीं करा सकती, क्योंकि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये उसकी प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, वो ये उसकी प्रस्तावना में है। तो अगर प्रस्तावना के विरोध में आप काम करेंगे तो संविधान के विरोध में करेंगे। और जो सरकार अपने मंदिर के लिए, जो उनका मुद्दा रहा जिस पर वो सरकार में आती रही है बार बार, उस पर अध्यादेश नहीं ला सकी, तो क्या संत रविदास के उस पर लाएगी? नहीं ला सकती। मैं यही बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ, समाज को समझना चाहिए, ये गुमराह कर रहे हैं, इनका काम झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। किसमें दो पक्ष? राम मंदिर बेकार की बात है, दो पक्ष कहाँ रह गए? केवल एक पक्ष रह गया जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही
गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया सबूत दिखाओ, तो रामलला कहता है नहीं भैया वो रामलला तो जो है ना नाबालिग है, नाबालिग की कोई संपत्ति नहीं होती, तो हमारे पास कोई पेपर नहीं है। तो एक खत्म हो गया। दूसरा जो है निर्मोही अखाड़ा ये कहता है कि नहीं हमारे तो 1982 में जो डकैती पड़ी उसमें सारे चले गए, तो दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत किसके पास है? जो बाबरी मस्जिद न्यास के वो जो लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो फैसला दे देना चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी ईमानदारी, उसकी अपनी निष्पक्षता, उसकी अपनी न्यायप्रियता भी दांव पर इस देश में लगी है। जब दो पक्षों से साफ हो गया उनके पास सबूत नहीं है तो भैया तीसरे को जमीन दे दो ना, नहीं दे रहे। तो ये सारे के सारे मिली भगत सारे आश्वासन हैं, और आश्वासन देते देते 5 साल निकल गए, आश्वासन देते देते देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इस मोदी 56 इंच चौकीदार की सरकार ने देश की आर्थिक हालत का भट्टा बैठा दिया। ये सिर्फ आश्वासन देंगे, झूठ बोलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ना तो कानूनी रूप से कर सकते हैं और ना ही इनकी नीयत है, ना ही संवैधानिक रूप से कर सकते हैं। सिर्फ